सलूमबट जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र के सल्लाड़ा में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। इसको लेकर मृतका के परिजनों ने उसके पति सहित ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। मृतका हिना सुथार के परिजनों ने लिखित में रिपोर्ट देते हुए बताया कि हिना का विवाह 10 वर्ष पूर्व प्रवीण सुथार के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल पक्ष द्वारा हिना को परेशान किया जाने लगा। वो 4 वर्ष पूर्व मारपीट की वजह से हिना को ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसका इलाज करवाया और उसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा हिना से पैसों की मांग की जा रही थी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह मृतका हिना के ससुराल पक्ष ने पीएर पक्ष को हॉस्पिटल आने की बात बताई, जिस पर सभी एमबी हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हिना को मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर जब मृतका के पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हिना के परिवार द्वारा उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी गलत हैं। उन्होंने कहा कि हिना के साथ आज तक कोई मारपीट नहीं की गई और कल उनकी बेटी का जन्मदिन था और सभी ने मिलकर जन्मदिन मनाकर खाना भी खाया था। सराड़ा थाना पुलिस ने परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बेटी भी तो बीमार होगी, कूट मार करता बीमार होगी, बस बीमार होगी। हमें दवाखाने लगी बेतला माँ हूँ मेड़ा लगी मैंने हूँ मेड़ा पास बेबारी लावी मणि पास बात ठीक भाई बस पास रोज उनके पुलिस वाला लेना आओ मिलवा पुलिस वाला अभी रो मिलवा ने थर ये सोरी ले जा थर सोरी ले जाए थर सोरी मान्य साहे जब मुझे रखवा साहब मैं कह तुम्हें नहीं रखवा साहब मुदान की करें कहा वाली हूँ ने सोर तो मैं रमन करने के हमला वो आपड़ा परिवार है मर्दे सोर है नाना ने मो ना मो परिवार है मारे नाना ने सोर है मारे घर में आदमी नरमा ये मुदान की करो दान की माता में कौन बेटा बेटी बनी क्या मम्मी मु बात ही रू मारे एक भाई है बड़ा मैं बे भाई भी जा कल कड़ा मैं बे तो डर आ गई तो हम कहते हैं कि क्या बेटा तो कहीं भी बात मान नहीं मोह नहीं करे तो कहीं करे मैं कई बात करूँ तो मैं तो कहीं बोलते नहीं आवे मोह चुप रहता हूँ मोह हम कहती कड़वे भी मैं डांट देती हूँ हर बार दो छोटी बच्चियाँ हैं छोटी बच्ची नहीं हूँ हमें बोलता हूँ मार दे सो रहो इनकी हो मार दे सो रहो मैंने मुँह हाथ जोड़ इनके हो मार दे सो रहो सदा सुखी रहो बस ऐसे अमर बे मैंने पंखी अभी ना पंखी में नाम बताएं आपका। मेरा नाम प्रण सुथार है। क्या मामला है आपके ससुराल वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी बच्ची को परेशान करते थे और आपकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। हमारे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अन्य औरतों से भी आपके संबंध थे। ऐसा कोई नहीं, मेरे किसी से कोई लड़ना है नहीं। मेरी बच्ची 6 साल की दिया है, उसका बर्थडे था कल। मेरे पापा गए थे उदयपुर, वो हम खाना पीने का सामान लाए थे जलेबी वगैरह, हमने सबके शाम को सब बैठ के खाना ना खाया हमने और वो सोती है जैसे हम नीचे जाकर सोए थे, फिर हमेशा की तरह वो उठती है वैसे। उसको मैंने उठाया सुबह, भाई उठी क्यों नहीं हो, तो उठी नहीं इसलिए उसको हम हॉस्पिटल लेके आए इधर। जैसे 4 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था उसी कंडीशन में वो थी, सुबह पहले उठी थे उस समय, तो मैंने सोचा कहीं ब्रेन हेमरेज वापस तो नहीं हो गया उसको, इसके हम उदयपुर लाए थे अलौकिक हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ डॉक्टर साहब ने बोला आप ऐसा करो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ जनरल में। तो आपके ससुराल वाले आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इनके और औरतों से संबंध? आपने कोई लड़ना है नहीं उससे, किसी से कोई लड़ना नहीं है मेरे। और पीएम रिपोर्ट आप करवाओ, पीएम रिपोर्ट कराने में तैयार हूँ, मेरा कोई फॉल्ट हो मैं तैयार हूँ। हाँ बताओ, मेरा प्रेम कुमार सुथार नाम है, सल्लाड़ा से हूँ। नाम है आप? मेरा नाम बवरलाल है। क्या हुआ था आपकी बेटी? मैं यूँ कह रहा हूँ, ये बच्ची आज 10 साल पहले शादी करवाई उसको, शादी करवाने के बाद 5 साल बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, बीमार हो गई थी, हेमरेड हो गया था, तो इनने इलाज वगैरह करवाया। उसके बाद इलाज करवाने के बाद रोज़ हर बार ये इस बच्ची को ये धमकी देते आए कि हमने तुम्हारा इलाज करवाया, 50 लाख रुपये खर्चे, वो पैसे ला यूँ करके डेली और डेली धमकी देता रहा और हर बार इस छोरी के साथ टॉर्चर करता रहा। और छोरी को हमारे पीयर पक्ष में आती थी तो उसको आने ही नहीं देता था और अलग अलग से धमकियाँ दिलवाता था ये। और ये दोनों, ये मेरे ये छोटा भाई है मेरा, ये इसके मुंह में जीभ नहीं है, बोल नहीं सकता है, इसको भी फ़ोन पे धमकी देता था, इसको भी फ़ोन पे धमकी देता था हर बार। आपने इससे पहले थाने में या पुलिस में कोई मामला? कोई मामला दर्ज नहीं करा। हम बेटी के बाप है, क्यों मामला दर्ज करवाए? बेटी कहाँ पे हुई अभी घटना? कहाँ पे हुई? कौन सी शादी? कहाँ करवाई थी? सल्लाड़ा करवाई है शादी। क्या नाम है मृतका का? हिना। क्या हस्बैंड का क्या नाम है? प्रवीण कुमार। आरोप क्या आपके उन पर? मेरे को आरोप ये है, रोज टॉर्चर करता, टॉर्चर की वजह से ये बच्ची मर गई है। देश प्रताड़ना के मामले क्या चाहते हो आप? अब हमारे को न्याय मिलना चाहिए, बस एक ही बात, कानूनी कार्रवाई शुद्ध होनी चाहिए और शुद्ध न्याय मिलना चाहिए, न्याय के हिसाब से सजा दी जाए और उनके दो बच्चे हैं छोटे, उन बच्चों का प्रवेश कंप्लीट किया जाए।